एनटी की ओर से आयोजित हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीईटी ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो पैटर्न के बारे में जैसा कि था 100 क्वेश्चन दिए गए थे, जीके के 15, जनरल साइंस के 15, रीजनिंग के 10, मैथ के 15, इंग्लिश के 10, हिंदी के 10 और हरियाणा जीके के 25। इस तरह से 100 प्रश्न थे और 95 अंकों का था, 0.95 भारिता थी और समय 1 घंटा 45 मिनट। तो इसी तरह का रहता है, डिफिकल्टी लेवल हम आपको बताने वाले हैं। स्वागत है चौथे वीडियो में आपको, सॉल्व कर रहे हैं ग्रुप डी का। और यहाँ पर क्लिक करो, पहला दूसरा और तीसरा भी आप देख लें, ये चौथा है। देखो आप, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड S1 एंड S6। बाकी चार आपने मिलाने थे, ठीक करने थे। पहला और छठा सही है, बीच के चार को आपने अच्छे से बनाते हुए एक मीनिंगफुल बनाना था। तो क्या था, मैं पढ़ के बताता हूँ। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज विमेन, क्यों पहले करो, विमेन कंटिन्यू टू बी निग्लेक्टेड एंड देयर आर फार फ्यूअर वुमन देन मैन हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो क्या आ जाएगा, दूसरा सही आ जाएगा इसका। चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट आई वे, लिखो नरेशन बाई विजय सर, बिल्कुल यही करवा रखा है। देखो आप जाके, शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। तो उसने उसको क्या कर दिया, वार्न कर दिया। तो शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज ए स्नेक बिहाइंड हिम। ठीक है, क्योंकि बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, तो अंदर के भी टेंस बदल जाएंगे। ठीक है, और लुक आउट है, लुक से शुरू हो रहा है, इम्पेरेटिव है, तो यहाँ पर वार्निंग है, एडवाइस होती है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, तो यहाँ पर वार्निंग है। ठीक है, इस तरह है। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर तो क्या करोगे आप, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। तो नो एरर कहता हूँ मैं इसमें, सेंसिबल है ये। फिल द ब्लैंक विच टू टेबल अल्टरनेटिव, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू स्लीप। अगर तुम सोओगे नहीं तो उसे अंडरटेक नहीं कर पाओगे, ओवरटेक नहीं कर पाओगे, सोना तो गलत हो गया। प्ले खेलोगे तो ओवरटेक कैसे करोगे, है ना। रीडिंग तो वॉक क्विकली, यदि तेज नहीं चलोगे तो उसे ओवरटेक कैसे करोगे। तो यहां पर दूसरा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। तो दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज अ वाइट एलिफेंट। उन्होंने पुराना घर बेच दिया क्योंकि कोई फायदा तो था नहीं, बालका ने वापिस आना नहीं, शहर चले गए, काम है दोबारा आंदे नहीं, तो पुराना घर बाप दादा का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उन्हें लगते हैं बेकार, बेच दे उसने, वाइट एलिफेंट है ये, यूजलेस कहेंगे। वेरी लार्ज, वेरी कंफर्टेबल नहीं, कोलेप्सिंग नहीं, यूजलेस। इडियम है, लिखो इडियम बाई विजय सर, लिख के देखो आप, सारी इडियम जो ग्रुप डी में पूछी जाती है दे रखी है आपको, ये भी है उसमें। ठीक है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मैंने हमेशा, बार बार, रेयर मैंने यदा कदा, बार बार यदा कदा, रिटर्न नहीं, फियर नहीं, अलार्म नहीं, तो रेयर, रेयर केस है ये तो भाई। ठीक है ना, इसमें तो फांसी होनी चाहिए, ये तो रेयर केस हो गया जो देखता है। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टू ट्रेवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। टू ट्रेवल होपफुली इज टू ट्रेवल पॉजिटिवली। ठीक है, रेशनली भी आ सकता है, पर मैं तो दो दो ही कहूंगा। ठीक है, दो करो आप इसको। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट ही है। ठीक है, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। नागरिकों, यात्रियों से प्रार्थना की जाती है कि फर्श पर ना बैठें, सीट पर बैठ जाएं। या ये भी है कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन द फ्लोर भी है, कुछ इमरजेंसी हो गई है, नीचे बैठ जाओ। तो दोनों फिट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चौथा कहता हूँ, तीसरा करके आए तो नंबर मिलना चाहिए तीसरे का भी। आप क्या करके आए बताओ 65वें में। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है, मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, देवियों और सज्जनों मधु छत पर बैठी है, तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, ऐसे करेंगे। ठीक है, इस बाग में अब मत घूमो, वाक्य में रेखांकित शब्द का, बाग वाटिका, वीथिका, अरण्य या अवनी, नहीं वाटिका आ जाए, पहला आएगा इसका, बाग को वाटिका कहते हैं। ठीक है, और अक
प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है दैनिक, नर्तक है, लेखक है, गायक है, दैनिक नहीं है, ठीक है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, भैया पेड़ भी कभी रोते हैं, तो ये तो मानवीकरण हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया ये तो क्या आ जाएगा इसका, चौथा सही आ जाएगा। उपमा नहीं, ठीक है, अनुप्रास नहीं जिसमें बार बार ध्वनि आती है, दृष्टांत नहीं, दिए गए किस वाक्य में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, समुन्दर पर नौका तैर रही है, समुन्दर में नौका तैर रही है या समुन्दर पर, मैं तो यही कहूंगा दूसरा, दूसरा मुझे शुद्ध नहीं लग रहा। आप क्या करके आए हो बच्चों बताओ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, ठीक है। जिस समाज में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्यय भाव कहते हैं। कर्मधारय क्या होता है, जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो, बहुव्रीहि हो जिसमें कोई भी पद की प्रधानता ना हो, दशानन जैसे होता है, द्विगु जिसमें संख्यात्मक संख्यावाचक जो हो, ठीक है, तो सत्सई, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा इसका, अव्यय भाव। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध है, शुद्धिकरण सही है, उज्ज्वल में आधा ज आएगा, मुहूर्त में म में बड़े हुए आएगी, पैतृक में त्र के नीचे ये आएगी, री वाली त्र के ऊपर छोटी नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी तीनों गलत, शुद्धिकरण मैं सही कह रहा हूँ, लिखा है। उज्ज्वल के बारे में बताओ, रात और संध्या के बीच की वेला को हम क्या कहते हैं, गोधूलि कहते हैं। नी आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है निराशा। बहती गंगा में हाथ धोना क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। आपका जिला कौन सा है बता दो, ठीक है, आप बताओ पहले 7 जिलों में से आपका जिला है, या फिर 12 हो गए थे, फिर 20 हो गए थे, फिर 22 हो गए, ठीक है। तो बताओ आपके कब बना था आपका जिला, पंचकूला का हूँ मैं, तो पंचकूला 95 में बना था, 1995 में, ठीक से। हरियाणा 1966 में बना था, जब शुरू में इतने जिले कौन ही थे, ईब तो ईब फिर बनने लग रहे हैं, 2-3 की लिस्ट आने वाली है, ठीक है, तो ये भी तो 22 है। एनएसजी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, मुख्यालय मानेसर में है, सही है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय, ये भी सही है। केवल ए ना, केवल बी ना, के ए और बी दोनों दोनों ठीक से, तीसरा ठीक से। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड का मेला फरवरी में लगा था, आइयो मैं भी जाऊंगा इस बार। तो महाभारत काल में हरियाणा के किस, हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है, तो बहुधन्यक्य इसका। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, ये तो हो गया, चलो 80वां लिखो भाई। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, एक पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा आम महोत्सव, जुलाई के पहले हफ्ते में लगता है ये, ठीक है। तो आप आना इस बार, मैं मिलूंगा वहीं, बताना सर हम आम मेले में आ रहे हैं, आप भी पहुंचो, वहीं मिलेंगे हम जरूर मिलेंगे वहां पर, बस कमेंट सेक्शन में लिख दियो सर मैंगो मेला है जुलाई में, आ रहे हो इस बार, मैं आऊंगा, तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा, फिर हम वहीं मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्य मंत्री हैं, श्री कंवर पाल, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, चौथे वीडियो में इतना ही, अंतिम जो है हम सोल्व करेंगे, पांचवें वीडियो में